ये जनाब ऊपर से आप बिल्डिंग का व्यू करा रहे हैं, सूरत ग्रीनरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुन्नी परदेसी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज मुन्नी परदेसी व्लॉग। स्टार्ट करते हैं आज का मजेदार व्लॉग। और आज के व्लॉग की इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम आज आपको अपने व्लॉग में बुर्ज खलीफा की जो आउटसाइड है वो विजिट कराएंगे। उसके नीचे बिल्डिंग के नीचे नीचे जो भी खूबसूरत रेस्टोरेंट है, खूबसूरत जगह है, तो वो सारी आपको जो है कि विजिट कराएंगे। स्पेशल आपके लिए जो है कि जा रहे हैं बुर्ज खलीफा की तरफ। और आप अगर अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जुड़े रहिए, बने रहिए, देखिए आज की मज़ेदार वीडियो। उससे पहले जो है कि हम लंच कर लेते हैं, फिर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। लंच के लिए जनाब हमने आज मछली का इंतखाब किया है। मछली जो है कि हम फ्राई करके खाना चाहते थे और उसको फिर हमने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। सारे लोग यहाँ पर जो है कि अपनी अपनी कुकिंग कर रहे हैं, हम लोगों ने मछली फ्राई करना शुरू कर दी हुई है। साथ वाले भाई साहब भी मछली ही बना रहे हैं। तो मछली जनाब आप जब खा रहे हो, साथ में चटनी ना हो तो मज़ा नहीं आता। भाई साहब को बोला है, इन्होंने जनाब यहाँ पे चटखारेदार चटनी बनाना स्टार्ट कर दिया। और अभी जो है कि हमारा माल तैयार होके ऊपर आ गया और हमने जो है कि खाना स्टार्ट कर दिया। चटनी और फ्राई पीसेस यहाँ पे जनाब हमने फिनिश कर दिया, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी थी। और जैसे ही कंप्लीट किया उसके साथ जनाब गुड़ मीठा मछली खाने के बाद। और फिर अभी हम आ गए मेट्रो स्टेशन, कार्ड में बैलेंस नहीं था, यहाँ से कार्ड रिचार्ज कर रहे हैं, वो सामने भाई साहब नमाज पढ़ रहे हैं। तो मेट्रो स्टेशन से जनाब कार्ड रिचार्ज करके और स्कैन करके एलिवेटर के जरिए हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं। नीचे का व्यू है मेट्रो स्टेशन का। अभी जनाब हम ऊपर आ गए हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन बस पहुँचने वाली है। और यहाँ पर जो है कि सारे मुसाफिर वेट कर रहे हैं। ट्रेन के अंदर से जनाब ये मस्जिद का खूबसूरत व्यू और ट्रेन के अंदर का व्यू। लोग अपने अपनी सीटों पे बैठ गए हैं, रश बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से कुछ लोग खड़े हुए। ये जनाब बाहर का खूबसूरत व्यू आपके सामने चलती ट्रेन से। बहुत ही खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं। फिर जनाब हमने यहाँ से एक्सचेंज किया है, दूसरी लाइन में आए और ये इस तरफ के व्यू हैं, खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। ट्रेन के अंदर से ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हैं। देखें क्या खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, पार्किंग वगैरह बनी हुई है। ये ट्रेन की स्पीड है और ये भाई साहब मशवरे दे रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ये खूबसूरत टावर देखें जी, नीचे पानी ही पानी है, ऊपर खूबसूरत टावर है, इसके आगे की बिल्डिंग्स हैं। और ये काफ़ी पुरानी जो है कि बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, काफ़ी अरसा हो गया है ये इनको यहाँ पर। ये आगे खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग्स हैं, क्या है खूबसूरत टावर है जनाब, और बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। नीचे छोटी सी मस्जिद है, यहाँ से हम गुजर रहे थे तो ये बहुत खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग्स आती हैं। जब जबल अली से आप आगे की तरफ को जाते हैं सेंटर पॉइंट की तरफ, तो ये बहुत खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग्स हैं। मछली खाए के ट्रेन में जो है कि सफ़र करने का अपना ही मज़ा था। और फिर ये बिल्डिंग्स व्यू देख देख के दिल बहुत ही ज़्यादा खुश। ये जनाब मेट्रो ट्रेन है जो सिटी के अंदर चलती है और बहुत ही खूबसूरत किस्म के इसका जो है कि डिज़ाइन किया गया है। जो इसका रास्ता है वहाँ से बहुत ही अच्छी बिल्डिंग्स, ग्रीनरी, एक एक चीज़ जो है कि आप देख सकते हैं। बुर्ज खलीफा की तरफ हम जा रहे थे तो रास्ते में ये सारा सीन जो है कि कैप्चर किया है आप लोगों के खाते, कि आप लोग देखेंगे एंजॉय करेंगे, तो छोटे छोटे क्लिप्स जो है कि बनाए हैं रास्ते पर। बुर्ज खलीफा अभी काफ़ी हमारे नज़दीक आ चुका था, दो स्टेशन दूर। और ये जनाब अपोजिट डायरेक्शन पर टावर है। तकरीबन हम बुर्ज खलीफा के जो नज़दीक मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ से बाहर का व्यू। ये देखिए जी माशाल्लाह खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, तो देखिए
और ये है वो बड़ी बिल्डिंग जिसको बुर्ज खलीफा बोलते हैं। क्या ही खूबसूरत बिल्डिंग है। अभी जाते हैं यहाँ से, इस ब्रिज से हम इसके अपोजिट साइड पे जाते हैं। वो सामने देखें, आपको मेट्रो भी नज़र आ रही होगी। अपोजिट साइड पे जाते हैं और जाकर आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। खूबसूरत, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है जी। चलते हैं, आप भी चलिए हमारे साथ साथ। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत टावर है यहाँ पे। ये मेन रोड है, शेख जायद रोड है। एलिवेटर से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये मेट्रो स्टेशन है और इसका नाम भी यही है, बुर्ज खलीफा या दुबई मॉल। और एलिवेटर से ऊपर की तरफ जाके हम सीधा गैलरी में से क्रॉस करेंगे और दुबई मॉल की तरफ जो है कि इंटर होंगे। अभी जो है कि हम ऊपर आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया ये मेट्रो स्टेशन। दुबई मॉल की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है कि आपको पैदल लग जाते हैं। ये लोग जो है कि ये विजिटिंग पॉइंट है, यहाँ पे सेल्फी वगैरह शूट करते हैं, ग्रुप पिक्चर्स वगैरह शूट करते हैं। ये बुर्ज खलीफा के ठीक नीचे की तरफ खूबसूरत ग्रीनरी है और खूबसूरत किस्म के दरख्त लगे हुए हैं। और ये देखें फैमिलीज़ वगैरह हमारे आगे आगे। बहुत ही खूबसूरत एरिया है यहाँ पे। दुबई मॉल की मेन एंट्रेंस है यहाँ से, और अभी हम यहाँ से इंटर होके आगे की तरफ जाएंगे मॉल के अंदर। ये देखिए जी, बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं यहाँ पे। ये एक्वेरियम है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत किस्म की फिशेज हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा लोग इनको देखने आते हैं और बहुत खूबसूरत हर किस्म की, हर वैरायटी की यहाँ पर फिशेज हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं इस एक्वेरियम के अंदर। उसके बाद जनाब सेकेंड फ्लोर से नीचे का ये व्यू है और अभी हम बाहर आ गए हैं। यहाँ पे वाटरफॉल होती है, आप आगे देखेंगे, अभी इसमें टाइम बाकी है। और नीचे से ये जनाब बुर्ज खलीफा का खूबसूरत व्यू। बहुत ही बड़ा टावर है, दुनिया का टॉलेस्ट टावर है। और इसके इर्द गिर्द भी बड़ी आलिशान जो है कि टावर्स हैं। ये पानी है बिल्कुल साफ शफाफ। ये यहाँ पर ही जनाब वाटरफॉलिंग होती है। और ये सामने यूएई का जो है कि फ्लैग है। ये देखिए जी, ये फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पर जो यॉट वगैरह हैं इनके अंदर जो है कि वो इंजॉय कर रहे हैं। ये बैक साइड पे रेस्टोरेंट्स हैं और लोग जब यहाँ पे आते हैं फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करते हैं, खाना पीना वगैरह होता है। और बहुत ही खूबसूरत प्लेसेस हैं जहाँ पे अगर आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। यहाँ से नीचे खड़े होकर जब आप बुर्ज खलीफा की तरफ देखते हैं तो ऐसे लगता है आपके ही ऊपर आने वाला है। ये इसके साथ जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ होटल्स हैं, लोग आकर यहाँ पर रहते हैं कुछ दिनों के लिए, घूमते फिरते हैं। बुर्ज खलीफा के अंदर जो है कि आप एक टिकट है वो प्राइस पे करके ऊपर की तरफ जा सकते हैं। फिल वक्त ये जो लोगों की भीड़ है या रश है, इतने ज़्यादा लोग जो फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आए हुए हैं ये टावर्स के नीचे, इनका फिल वक्त जो पर्पज़ है वो सिर्फ एक ही है। ये यहाँ पर जो है कि वाटरफॉलिंग देखना चाहते हैं, फाउंटेन, बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है कि ये आगे आप देखेंगे। ये तकरीबन हर हाफ एवरी 30 मिनट्स के बाद जो है कि यहाँ पर जो है कि ये वाटरफॉलिंग जो है होती है यहाँ पे। तो फैमिलीज वगैरह यहाँ पर बैठकर वेट कर रही हैं, बच्चे हैं एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ये पानी जैसा कि मैंने आपको दिखाया पहले भी, बहुत ही साफ शफाफ। आई थिंक कि ये डेली बेसिस पे चेंज किया जाता है। फैमिलीज यहाँ पे एंजॉय कर रही हैं। ये RTA की तरफ से है, इसका स्पेशल जो है कि टिकट है। वो सामने जनाब रोड है, एंट्रेंस है, वो भी बुर्ज खलीफा की तरफ इंटरेस्ट है। वहाँ पर भी काफ़ी विजिटर्स आए हुए हैं। इसके अलावा ये लेफ्ट साइड पे एक यॉट है, इसमें भी फैमिलीज हैं। तो लोग आकर बहुत ज़्यादा जो है कि यहाँ पर इंजॉय करते हैं। और हमारा भी जो मेन पर्पस था वो संडे के दिन यही था कि हम खुद भी इंटरटेन हों और आप लोगों को भी जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेन करें। तो ये बिल्कुल बुर्ज खलीफा की डाउन साइड है जहाँ पर हम खड़े हैं। तो बहुत ही खूबसूरत, और अगर आप यहाँ पे आएँ तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे।
कि कैमरामैन ने मेरे ऊपर कैमरा नहीं लगाया बल्कि एक दफ़ा फिर जनाब आपको पानी का विजिट करा दिया। ये भाई साहब यहाँ पे पॉपकॉर्न एक फैमिली आई है और ये उनको बना कर दे रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत किस्म का फूल टाइप बन जाता है, ये देखें जी। हम यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं एलिवेटर के थ्रू, बहुत सारे लोग भी वापस जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं एंजॉय करने के लिए और हम यहाँ से निकल पड़े। यहाँ पर जनाब मैप हम देखते हैं, मेट्रो स्टेशन सर्च करते हैं कि किस तरफ को है, यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद जनाब हमें पूरा हमारा जो रास्ता है वो मैप पे नज़र आ जाएगा। तो चलते हैं हम यहाँ से मेट्रो स्टेशन की तरफ, मॉल के अंदर से गुजरते हुए खूबसूरत दुबई मॉल एग्जिट की तरफ हम जा रहे हैं, जो मेट्रो स्टेशन इसके साथ लिंक्ड है उस की तरफ हम जा रहे हैं। यह खूबसूरत ब्रिज जो बनाया गया है मेट्रो स्टेशन के ऊपर, और यहाँ से जनाब बुर्ज खलीफा हमसे काफ़ी दूर है, आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं ब्रिज के अंदर जो ग्लास है उसके अंदर से होते हुए। ये देखें सामने बुर्ज खलीफा, और अभी जो है कि हम मेट्रो स्टेशन आ गए हैं, वहाँ से हम आ गए हैं बाहर। ये बाहर का व्यू है, खूबसूरत व्यू है, और यहाँ हम टैक्सी ढूंढेंगे। टैक्सी ढूंढने के बाद जनाब हम अपने बस स्टेशन की तरफ निकल जाएंगे।
तो अभी उम्मीद है कि हमें टैक्सी मिल जाएगी। मगरब के बाद का ये व्यू है बहुत ही खूबसूरत। अभी टैक्सी वाले भाई साहब आ गए हैं, इनके साथ बैठ गए हैं। हमारा जो यहाँ से सफ़र है वो स्टार्ट हो गया बस स्टेशन की तरफ। और भाई साहब ने जब देखा है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, तो उन्होंने भी ख्वाहिश किया है कि मैं भी आपका चैनल जो है कि सब्सक्राइब करना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी अब मेरा चैनल सब्सक्राइब। घर आ गए हम वापस और वापस आके खाना खाया और मैंने कहा वीडियो की जो एंडिंग है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो बहुत ही मज़ा आया जनाब, बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है कि आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। बुर्ज खलीफा के अंदर नहीं गए, इंशाल्लाह जाएंगे, एक दिन ज़रूर जाएंगे, टाइम निकाल कर जाएंगे। और बाहर का जो सीन है कम्प्लीटली तौर पे आपको दिखाया, बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह हैं और खूबसूरत किस्म की वाटर फॉलिंग, हर चीज़ जो है कि आपको दिखाने की कोशिश की है बहुत ही थोड़े से टाइम में। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कि पसंद आई होगी। तो कोशिश यही की जाती है कि आपके साथ अच्छी से अच्छी जो है कि चीज़ शेयर की जाए और आपको इंटरटेन किया जा सके। और बहुत ही खूबसूरत जगह हैं, खूबसूरत प्लेसेस हैं और विजिटिंग पॉइंट हैं, वहाँ पर जाने को दिल करता है, लेकिन क्या बताएं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की इतनी शिद्दत है कि 5-10 मिनट के लिए आप किसी एक जगह पे नहीं रोक सकते। और फिर देखें कि यहाँ आपके लोग जो परदेसी हैं वो इस गर्मी में काम करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, इवन के कुछ लोग ओवर टाइम लगाते हैं, 14-15 घंटे काम करते हैं। मैं आपको बस ये बता दूं कि इस गर्मी में मैं 5 मिनट के लिए बाहर नहीं निकल सकता। उस गर्मी में वो लोग 15-15 घंटे काम करते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। और बस प्रदेश में वो इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हम फिर भी कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से बाहर निकल कर आपके साथ यहाँ की खूबसूरत जगहें शेयर करें। तो हमारी कोशिश होती है बाकी पसंद आए या ना आए वो तो अभी आप पर डिपेंड करता है। तो इंशाल्लाह जी कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम नई जगह पर जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।